अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ शादियों में बनने वाला मटन सीख कबाब विद सीक्रेट रेसिपी ऑफ मसाला, जिसे केटर किया था राजधानी केटरर्स ने। सो गाइस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो बेल आइकन प्रेस करें और ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले बनाते हैं सीख कबाब का मसाला। सो गाइस, एक्सक्लूसिव मसाला है ये, स्टेप बाय स्टेप देखें, मैं आपको 1 kg के उसमें बता रही हूँ। तो 1 kg मटन कीमा लेना है, जिसमें आपको 1 tablespoon धनिया लेना है, 1 teaspoon जीरा लेना है, जिसके अंदर 4 से 5 इलायची है, 10 से 12 लौंग है, और 1 teaspoon इसमें काली मिरी है। इसके बाद आपको डालना है इसमें 1 teaspoon सौंफ, ठीक है, कोई भी कच्चा सौंफ ले लीजिए। भूनना बहुत ज़रूरी है, ड्राई रोस्ट करना है आपको सभी मसाले को। इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च है, जिसे 15 से 20 लिया हुआ है, तो डंडी आप निकाल सकते हैं या फिर आप अगर वैसे ही करना है यूज़ तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है अच्छी तरीके से। सो जो भी आपने मसाला भूना था उसको आपको मटन मीन्स में डालना है। ये बकरे का मटन है, मैं आपको 1 kg के उसमें बता रही हूँ। तो पूरे से इसको अच्छे से मिला लीजिए आप। कीमे में ज़रा भी मॉइस्चर होना नहीं चाहिए, और फैट जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 70% कीमा लेना है और 30% इसमें फैट लेना है। 1/2 teaspoon इसमें जाएगा हल्दी, 1/4 cup इसमें जाएगा ब्रिस्ता, ठीक है, 1/4 cup ब्रिस्ता, 1 teaspoon इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, तीखी वाली चिली पाउडर। बहुत ईजी है, बट ध्यान से आप देखें स्टेप बाय स्टेप। 1 tablespoon इसमें अदरक का पेस्ट, 1 tablespoon इसमें गार्लिक का पेस्ट, और 1 teaspoon इसमें जाएगा ग्रीन चिली का पेस्ट, 1 teaspoon इसमें जाएगा वाइट पेपर पाउडर, ठीक है। हर एक चीज़ आपको लेना है 1 teaspoon। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। 2 बड़े साइज के कांदे को आपको चॉप कर लेना है ऑमलेट कट, और उसमें डाल देना है बारीक कट करके। हैंडफुल ऑफ इसमें आपको धनिया डालना है, हैंडफुल ऑफ इसमें आपको पुदीना डालना है। फिर जो भी मसाला आपने डाला इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे ये एक बार मशीन में जाएगा, एक बार नहीं, इनफैक्ट ये 2-3 बार जाएगा मशीन में। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप उसमें निकाल लीजिए, या फिर कीमे वाला मिन्स मशीन है तो आप उसमें निकाल लीजिए। तो ये तो केटरर बना रहे हैं तो उनके पास मिन्स मशीन होती है, सो इसमें जो है बहुत बारीक निकलता है। हमारा मेन मकसद यही है कि ये बहुत फाइन पेस्ट बने इसका, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मशीन में निकालने के बाद आपने देखा केटर वालों ने इसे अराउंड 20-25 मिनट हाथ से मसला था। सो गाइस, ये जो सीख कबाब का मेकिंग है ये डायरेक्ट आपको मैंने केटर स्टाइल में बताया है, इसका मसाला भी मैंने आपको केटर स्टाइल में बताया है, इसलिए इनका जायका जो होता है वो सबसे अलग, सबसे हटके होता है। सो स्कीवर्स में आपको लगा लेना है, तो ये तो आपको आते आते ही आएगा, बट अगर आपको पैन फ्राई करना है या डीप फ्राई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बट उसका जायका और बारबेक्यू का जायका ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये बात अगर आप मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो गाइस, आई होप आपको ये मेकिंग जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट मेकिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।